आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों को बांटा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका। मस्तूरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक शाला में कक्षा 12वीं के छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण किया गया। लॉकडाउन का असर सभी विभागों में पड़ा है, वहीं शिक्षा विभाग में भी लॉकडाउन का खासा असर देखा जा रहा है। नियमतः बोर्ड की परीक्षा फरवरी मार्च महीने में हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, जिस वजह से परीक्षा नहीं हो पाया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए आदेश जारी किया है। हाँ, यहाँ आज से उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र हम लोग बांटना शुरू किए हैं और बच्चों को 5 दिन का समय मिलेगा। प्रत्येक बच्चा जो 1 तारीख को प्रश्न पत्र लेके जाएगा वो 6 तारीख को जमा करेगा। सबके पास 5 दिन का टाइम है मतलब, और 6-5 दिन के बाद ही उनको जमा करना है। अगर उस डेट पर वो जमा नहीं किया तो वो अनुपस्थित माना जाएगा बच्चा। और हमारे यहाँ टोटल जो बच्चे हैं उनकी संख्या रेगुलर में 133 है और प्राइवेट है 10 बच्चे, टोटल 143 बच्चे हैं, जिनमें से आज 100 बच्चों को वितरित किया गया है। मस्तूरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1 जून से सभी छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण कर दिया गया। मस्तूरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक बालक शाला में कक्षा 12वीं में कुल 143 छात्र हैं, जिनमें से कुल 100 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दे दिया गया है। इन सभी छात्रों को 5 दिन बाद प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को जमा करना होगा। बचे हुए 43 छात्रों को 5 जून तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को छात्रों को लेकर 10 तारीख को जमा करना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र एग्जाम नहीं दिलाता है तो उसे फेल माना जाएगा। मसूरी से रविंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।